نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين رب زدنا علما آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله آج ہم سورہ نور کی آیت نمبر 17 سے شروع کریں گے انشاءاللہ इससे पहले हमने आयत नंबर 13, 14, 15 एंड 16 कर ली है इंशाल्लाह। ठीक है, हम एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं। लौला जाउ अलैहि बिअरबअति शुहदा, क्यों नहीं वो सब लाए, जा भी क्यों नहीं वो सब लाए उस पर चार गवाह, यानी जब तोहमत लगा रहे थे, बोहतान लगा रहे थे, तो चार गवाह क्यों ना लाए। फिर जब नहीं वो सब लाए गवाहों को, तो वही लोग अल्लाह के पास, अल्लाह के नजदीक वही झूठे हैं, काजिब हैं। आयत नंबर 14, और अगर नहीं फजल होता अल्लाह का तुम पर और उसकी रहमत दुनिया और आखिरत में, ला अलबत्ता छूती तुमको, पहुंचती तुमको, फीमा अफज तुम, जिस जो तुम कर गए थे उसमें, अजाबुन अजीम बड़ा अजाब। आयत नंबर 15, जब तलक्कौनहु बिअलसिनतिकुम, जब वो सब लौटा रहे थे, फेर रहे थे उसको, तुम सब अपनी जबानों को, और तुम सब कह रहे थे तुम्हारे मुंहों से जो नहीं तुम्हारे लिए उसका इल्म था, यानी तुम्हारे पास उसका इल्म नहीं था, और तुम सब गुमान कर रहे थे कि वो बहुत छोटी बात है, बहुत महीन छोटी बात है, और वो तो अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी। हकीर जान रहे थे तुम उस बात को, लेकिन अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ी बात थी। आयत नंबर 16, और अगर नहीं जब, और क्यों नहीं जब सुना तुम सबने उसको, यानी उस अफवाह को, तुमने कह दिया कि जो नहीं है वो नहीं है वो हमारे लिए के हम तकल्लुम करें इसका, यानी नहीं है हमें ये लायक ही नहीं है, हमारे लिए यानी हमारे लायक कि हम ऐसी बात भी अपनी जबानों से निकालें। पाक है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात, पाक है तू, ये तो बहतानुन अजीम, ये तो बड़ा बहतान है, बहुत बड़ी तोहमत है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक कर लिया था। प्लीज बेयर विद माई वॉइस, थोड़ा सा हमारे गले में तकलीफ है, तो हम अगर कोई चीज ना समझ आए तो प्लीज लेट मी नो, ताकि हम रिपीट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 17, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यअइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। अब देखें यहाँ पर अल्लाह सुभान व तआला, वही जो वाकया इफ्क है, हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तोहमत लगाई गई है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें चल रही हैं। अब यहाँ क्या फरमाया जा रहा है, यअइज़ुकुम, या देखिए यतान का या है, क्या है यतान, एक मरतबा हम रिवाइज कर लेते हैं। यतान किसे कहते हैं, यतान कहते हैं फेले मुजारे को, फेले मुजारे यानी इम्परफेक्ट टेंस कहा जाता है हाल और मुस्तकबिल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर को मिलाकर हम कहते हैं इम्परफेक्ट टेंस। और इम्परफेक्ट टेंस की क्या क्वालिटी होती है,
इम्परफेक्ट टेंस की ये क्वालिटी होती है कि वो हमेशा यतान से शुरू होता है। यतान क्या है? या ता अलिफ और नून को शॉर्ट में मिलाकर हम कह देते हैं यतान, या ता अलिफ नून यतान। या का क्या तर्जुमा होता है? या का तर्जुमा होता है वो, ता का तर्जुमा होता है तुम या फिर वो। ता का कभी मेल में तुम तर्जुमा होगा और फीमेल आएगा तो वो तर्जुमा होगा। अलिफ का तर्जुमा होगा मैं और नून का तर्जुमा होगा हम। तो इस तरीके से ये या ता अलिफ नून के अपने अपने तर्जुमे हैं, या वो ता तुम अलिफ मैं नून हम। ठीक है, तो जिस जैसा भी लेटर आएगा उस हिसाब से हम यतान का तर्जुमा करेंगे। या तो यहाँ पर चूंकि या से शुरू हो रहा है याइज़ू में, तो या का तर्जुमा हम कर देंगे वो। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं इसके रूट लेटर क्या है। इसके रूट लेटर्स है वाओ ऐन ज़ौ। रूट लेटर्स क्या होते हैं? जिससे ये वर्ड बना होता है उसको कहा जाता है रूट लेटर। अब ये वाओ ऐन ज़ौ इसका रूट लेटर है, लेकिन हमें वाओ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इसका रीजन है, देखें अरबी जबान में तीन हरफे इल्लत होते हैं, अलिफ या और वाओ। अलिफ वाओ या तीन क्या है? हरफे इल्लत। इल्लत कहा जाता है वीक लेटर्स को। वीक लेटर्स, वीक वीक यानी कमजोर। वीक लेटर्स को कहा जाता है हरफे इल्लत। अब इनकी क्या क्वालिटी होती है इन वीक लेटर्स की, इन तीनों की? इन तीनों की ये क्वालिटी होती है कि कभी कभी ये दो एक दूसरे की जगह को चेंज करते हैं। अलिफ की जगह वाव, वाव की जगह या की जगह अलिफ। इस तरीके से कभी कभी होगा, या पूरी तरह से वो वर्ड में से गायब हो जाएंगे। यही तीन लेटर के साथ ये मसला है, बाकी कोई और लेटर ऐसा नहीं करते। जो भी होंगे वो सामने होंगे, इन तीनों में ऐसा मसला है कि कभी कभी एक दूसरे की जगह को रिप्लेस कर देते हैं, कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो वाव था वाज के अंदर का वाव जो है यहाँ से गायब हो चुका, क्योंकि ये वीक वावल है। ठीक है, तो वाजा का मतलब होता है नसीहत। ठीक है, नसीहत, वार्निंग्स, एडमोनिशंस। तो यहाँ पर वाज, आपने वर्ड भी सुना होगा उर्दू में, वाज कहा जाता है नसीहत को। ठीक है, तो वाजा का मतलब हो गया नसीहत, या का मतलब हो गया वो, या वो वाजा नसीहत करता है। कुम, कुम ये अटैच प्रोनाउन है, अटैच प्रोनाउन। अटैच क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जुड़ चुका है वाजा से। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है जमीरे मुत्तसिल। क्या कहा जाएगा? जमीरे मुत्तसिल। मुत्तसिल मतलब जुड़ जाने वाला, इत्तिसाल होने वाला, वसल हो जाने वाला। तो जमीरे मुत्तसिल जुड़कर आने वाले प्रोनाउंस। या वो वाजा नसीहत करता है, कुम तुमको कौन करता है? आगे आ रहा है अल्लाहू। इसके रूट लेटर हैं अलिफ लाम हा। रूट लेटर लिख लें अलिफ लाम हा, सॉरी अलिफ लाम हा, इलाह यानी अल्लाह। या वो वाजा नसीहत करता है, कुम तुमको अल्लाहू अल्लाह। अन अन ये जो है अन का तर्जुमा होता है के, दैट के, उर्दू वाला के, इंग्लिश वाला दैट। इसी से मिलते जुलते चार लफ्ज आते हैं। अगर हम चाहें तो एक जगह लिख ले ताकि बहुत आसानी हो जाएगी बाद में जब भी आएगा। अन का तर्जुमा होता है के, और अन्ना का तर्जुमा भी होता है के। ठीक है, अन और अन्ना दोनों का तर्जुमा होता है के, दैट। ठीक है, फिर एक और वर्ड है हमारे पास इन्ना। ये हमने कहा अन्ना, ये कहा इन्ना। इन्ना का तर्जुमा होता है बेशक, इंडीड, बेशक। और एक वर्ड बचता है इन, इनका तर्जुमा होता है अगर, इफ। अन्ना और अन का तर्जुमा होगा के, इन्ना का तर्जुमा होगा बेशक,
अन का इन का तर्जुमा होगा अगर, इन्ना बेशक, इन अगर। कभी कभी रेयरली अन्ना और इन का तर्जुमा भी बेशक में आता है, ठीक है। अन्ना और इन, अन्ना का मतलब है के लेकिन कभी कभी बेशक आ जाएगा, इन का मतलब है अगर लेकिन कभी कभी बेशक आ जाएगा, कभी कभी, वेरी रेयरली, फ्रीकली, ठीक है। चले, तो ये कंपैरेटिव वर्ड्स थे, हमने इसलिए बता दिए ताकि जब आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अन के दाऊदू, ता या तान का ता है, अब भी बिल्कुल हमने देखा ये तान क्या है, या ता अलिफ नून, ये तान, और ये चारों लेटर के अपने अपने तर्जुमे होते हैं। या ता अलिफ नून, या मतलब वो, ता मतलब तुम या फिर वो, तुम या वो, तुम मेल के लिए होता है और वो फीमेल के लिए होता है, ठीक है। अलिफ का मतलब होता है मैं और नून का मतलब होता है हम। तो यहाँ पर जो याउजू में याइजू में या से शुरू हो रहा था वो तर्जुमा हमने कर दिया, और यहाँ पर ताउदू में ता से शुरू हो रहा है तो हम ता से तर्जुमा करेंगे तुम, क्योंकि मैस्कुलिन की बात चल रही है तो इसीलिए हम ता का तर्जुमा करेंगे तुम। अन के ता तुम, वाव अलिफ, वाव नून, या नून, ऊना ईना, वाव अलिफ हमेशा प्लूरल को इंडिकेट करते हैं। प्लूरल यानी जमा, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही होती है, ठीक है। ता तुम, वाव अलिफ सब, के तुम सब, आइन वाव दाल, आइन वाव दाल का मतलब होता है रिपीट करना, इआदा करना, ठीक है, किसी चीज को रिपीट कर देना, किसी चीज का इआदा कर देना, टू टर्न अगेन। तो आइन वाव दाल इसके रूट लेटर है, आइन वाव दाल का मतलब होता है इआदा करना, रिपीट करना, ठीक है। अन के ता तुम, वाव अलिफ सब, उदू रिपीट करो, दोबारा करो, या वो वाजा नसीहत करता है कुम तुमको, अल्लाहु अल्लाह। अन के ता तुम, वाव अलिफ सब, उदू रिपीट करो या फिर इआदा करो, दोबारा करो, लिमिस ली ही, ली हर्फ जर है, प्रपोजिशन, ली का तर्जुमा होता है फॉर, लिए, ठीक है। मिसल, मिसल जो है इसके रूट लेटर भी मिसल ही है, मासाला, मिसल का मतलब होता है मिसाल या लाइक, जैसे के, ठीक है। मिसल का तर्जुमा होता है मिसाल, कंपैरिजन जब किया जाता है किसी चीज को एक दूसरे से, मुवाजना जब किया जाता है तो मिसल का तर्जुमा लेकर आया जाता है, मिसल का तर्जुमा होगा मिसाल या फिर जैसे के, ठीक है। ली लिए, मिसल यानी मिसाल, ही अटैच प्रोनाउन है, जैसे उमाया था अटैच प्रोनाउन, ही अटैच प्रोनाउन है इट, उसकी, ठीक है। या वो वाजा नसीहत करता है कुम तुमको, अल्लाहु अल्लाह। अन के ता तुम, वावले सब, उदू दोबारा रिपीट करो, कि तुम दोबारा रिपीट ना कर दो, इसीलिए नसीहत की जा रही है। लिमिस लिही उसकी मिसाल के लिए, यानी उसके जैसे वाक्य के लिए, दोबारा रिपीट ना करो इसी मिसाल के लिए, यानी इसके मिसाल को देकर तुम्हें अल्लाह सुब्हानहु ताला चाहता है कि तुम नसीहत हासिल करो, एक एडमोनिशन है, एक वार्निंग है, ताकि तुम इस चीज को तुम ना रिपीट कर लो जो दूसरों ने किया, राइट। चल, ली लिए, मिसली मिसल, जैसे ही उसकी, उसकी मिसाल के लिए, उसकी मिसाल के लिए यानी उस जैसा ना करो, ठीक है। अबदन, अबदन का मतलब होता है कभी भी, अबदन का मतलब होता है एवर, कभी भी, ठीक है। अबदन जहां कहीं भी आएगा ना वर्ड कुरान करीम में, तो उसका तर्जुमा एवर ही होगा, कभी भी, ठीक है। इन कुंतुम सादिकीन, अब देखें इन अन आया था, अब इन आ गया, अन का तर्जुमा है दैट, के, और इन का तर्जुमा है इफ अगर, ठीक है, इफ अगर। इंशाल्लाह हम कहते हैं, इंशाल्लाह मतलब अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे, इफ अल्लाह विल्स, तो इसी में इन आ जाता है, इनका मतलब होता है अगर। कुंतुम, अब देखिए ये जो कुंतुम वर्ड है
इसके अंदर दो चीजें हैं, पहले तो है कुन और फिर है तुम। कुन के रूट लेटर हैं काफ वाव नून। काफ वाव नून के अंदर दोबारा से क्या आ गया, वीक लेटर आ गया। वीक लेटर वा अलिफ वाव या तीन वीक लेटर होते हैं, तीन कमजोर हुर्फ हैं, हर्फ इल्लत, बीमार कमजोर। तो इनका मसला ये है कि इनकी जगह को कोई भी ले लेता है, कोई भी इन द सेंस इन तीनों में से कोई भी ले लेता है, अलिफ की जगह को वाव, वाव की जगह या की जगह अलिफ, या फिर कोई भी इनको जगह देता ही नहीं है, पूरी तरह से हटा देता है। तो वाव को यहाँ से हटा दिया गया। कुन में देखें वाव नहीं है दरमियान में, तो ये वीक वावल होने की वजह से नहीं है। कुन का मतलब कभी होगा है, कभी तीन तर्जुमे होते हैं कुन के, कुन के काफ वाव नून के तीन तर्जुमे होते हैं, है होना था, है भी हो सकता है, था भी हो सकता है, होना भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। जैसी भी आयत का आगे पीछे जुड़ जाएगा, जिस तरीके से प्रॉपर तर्जुमा बन जाएगा, हम उसी तरीके से कुन का तर्जुमा कर लेंगे, ठीक है। इन अगर कुन तुम, अब यहाँ पर कुन का तर्जुमा हम करेंगे हो, इन अगर कुन हो, तुम सब अगर तुम हो, मुमिनीना, मुमिनीना के रूट लेटर हैं हमजा मीम नून, बीच में आ गए हमजा मीम नून। मीम का तर्जुमा होता है वाला, तो आमना मतलब ईमान, मीम का मतलब हो गया वाला, ईमान लाने वाला, और ईना हमेशा प्लूरल को इंडिकेट करता है, जमा को। तो आमना मतलब ईमान, मीम का मतलब वाला, और ईना लगने से वो प्लूरल हो गया, जमा हो गया, तो हम तर्जुमा कर देंगे वाला की बजाय वाले, क्योंकि जमा हो गया तो हमने वाला को वाले कर दिया, ठीक है। मुमिनीना ईमान लाने वाले, ईमान लाने वाले। तो अल्लाह सुबहानहु तआला क्या फरमा रहे हैं कि तुमने जो इतना बड़ा स्कैंडल उठाया, जिस तरह से तुमने हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन पर तोहमत लगाई, तो तुम्हारा रब अब तुमको नसीहत कर रहा है। क्या नसीहत कर रहा है कि तुम इस चीज को रिपीट नहीं करोगे। जिन लोगों ने नादानी में ये काम कर दिया सो कर दिया, अब तुम्हें यकीन, तुम्हें क्या होना चाहिए, इस बात का एक एडमोनिशन अल्लाह सुबहानहु ताला की तरफ से वार्निंग है कि इस चीज को तुम ना रिपीट कर देना, क्योंकि ये अल्लाह की नजर में बहुत बड़ी बात है। तुम समझते हो जबान को हिला दिया, जबान से दो अल्फाज निकाल दिए, लेकिन तुमने लोगों के दिलों को चीर कर रख दिया, तुमने लोगों के ऊपर तोहमतें लगा दी, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया, उनके किरदार को दागदार कर दिया। तो तुमने कोई छोटा काम नहीं किया, ये अल्लाह की नजर में बहुत बड़ा काम है। तो अल्लाह ने फरमाया इसीलिए तुम्हें तुम्हारा रब नसीहत करता है कि यू जस्ट डोंट रिपीट द इंसिडेंट अगेन, नॉट विद जस्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये उम्महातुल मोमिनीन के साथ ही, बल्कि किसी भी पाक दामन औरत के साथ तुम ये मामला नहीं दोहराओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिपीट करते हैं, याइज़ुकुम, या वो वाअज़ा नसीहत करता है कुम तुमको, वो कौन, अल्लाह नसीहत करता है तुमको, अनके ता तुम वावलिफ सब उदू इयादा करो, दोबारा दोहराओ कि तुम दोबारा ना दोहराओ, लिमिसलही उसकी मिसाल के लिए, उसकी मिसाल के लिए यानी उसी जैसा, मिसाल का मतलब होता है अलाइक, जैसा, अबदन कभी भी, टिल कियामा। अल्लाह सुबहानहु ताला ने कुरान करीम, कोई टाइम लिमिट नहीं है इसकी, कयामत तक इसका मैसेज जिंदा कायम रहने वाला है। इसका मतलब है कयामत तक जो लोग इस कुरान को, इस बात को पढ़ते रहेंगे, उनके लिए ये नसीहत है कि जस्ट डोंट रिपीट द इंसिडेंट विद एनीबॉडी। कयामत तक जो औरतें आती रहेंगी, तुम्हें नहीं जचता कि ना ही औरतों पर ना ही मर्दों पर कोई तोहमत ना लगाई जाए, अबदन कभी भी। अगर तुम हो ईमान वाले, तो ईमान वालों को तो ये बातें जेब ही नहीं देती कि वो किसी के ऊपर तोहमत लगाए। अगर उनको हमें तो
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी जबरदस्त गाइडलाइंस दी हैं, ईमान वालों के पास तो कुरान कुरान भी है, अहादीस भी है, और अहादीस में अल्लाह ने क्या फरमाया है कि अगर किसी के ऐब भी देख लो तब भी उसको क्या कर लो, हाइड कर दो, उसको छुपा लो। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे ऐब छुपा लिए जाएं? क्या बंदा नहीं चाहता कि कयामत के दिन उसकी पर्दापोशी कर दी जाए, उसके ऐबों को छुपा लिया जाए? अगर बंदा ये चाहता है, अगर मुमिन बंदा ये चाहता है कि उसके ऐबों को छुपा लिया जाए, तो वो क्या करे, लोगों के ऐबों को छुपाना शुरू कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत वही मामला बंदे के साथ फरमाते हैं जो वो दुनिया में लोगों के साथ फरमाता है। वो लोगों के साथ जो करेगा अल्लाह बंद उसके दिन कयामत के दिन उसके साथ वही करेंगे। जो ऐप छुपाएगा अल्लाह ऐप छुपा लेंगे उसके। जो लोगों के ऐप को नशर करेगा, लोगों के ऐप को जाहिर करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी लोगों के सामने कयामत के दिन सारे लोगों के सामने उसको रुसवा कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें लोगों के ऐबों को छुपाने वाला, ढाकने वाला बना दे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की सत्तार वाली क्या है, सिफत है। तो ये वाली सिफत हम अपने अंदर डेवलप करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने नाम होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि क्या किया जाए, उन नामों के रिफ्लेक्शंस तुम अपने अंदर डेवलप करो। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिफात हैं वो अपने अंदर तुम डेवलप करो। अल्लाह सुबहानहू तआला ने अपने सिफातों का तस्किरा ही इसीलिए किया है ताकि हम क्या करें, अल्लाह सुबहानहू तआला की उन सिफात को अपने अंदर डेवलप करें। चलें, ठीक है। रुस्वा मीन्स ह्यूमिलेट, ह्यूमिलिएशन फील होगा उनको, अल्लाह सुबहानहू ताला उनको जलील व ख्वार कर देंगे। लोगों को अपनी इज्जत का कितना ख्याल होता है, लोगों को किस कदर अपने नाक का, अपनी पगड़ी का, अपनी मतलब इज्जत का, कि मेरी इज्जत पामाल ना हो जाए, लोग मेरी इज्जत के ऊपर उंगली ना उठा लें। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत की जाए तो वो लोगों की इज्जतों को क्या करें, लोगों की इज्जतें करें। जो लोग चाहते हैं उनके ऐप को छुपा लिया जाए, गुनाहों को ढाक लिया जाए, तो वो क्या करें, दूसरों के गुनाहों को ढाकना शुरू कर दें। भले ही आपको कितना भी बड़ा ऐप पता चल जाए, इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट आया में देख लेंगे, अल्लाह सुबहानहू ताला ने इसके मुतालिक भी नसीहत फरमाई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो नसीहत करता है, वाज यानी नसीहत, वाज वर्ड आपने सुना भी होगा उर्दू में। वो नसीहत करता है तुमको अल्लाह, वो यानी अल्लाह, कि तुम सब क्या करो, तुम सब इयादा करो, यानी तुम सब रिपीट करना दो उस चीज को, लिमिसली ही उसकी मिसाल के लिए, यानी उसी जैसी बात को, अबदन कभी भी, बोहतान लगाना, तोहमत लगाना, ऐबों को जाहिर करना, ऐब ना हो तो जबरदस्ती किसी के ऊपर झूठ बांध देना, ये सारी बातें अल्लाह को नागवार हैं। इन कुंतुम मुमिनीन, और तुम्हारे तुम्हें तो अल्लाह ने कितना जबरदस्त टैग दिया है कि तुम ईमान वाले हो। अगर तुम हो ईमान वाले, ईमान वाले कभी भी इस तरह की बातें नहीं किया करते। ठीक है, क्योंकि कुछ ईमान वाले नादानी में, नादानिस्ता तौर पर इस चीज में इन्वॉल्व हो गए थे, इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला ने क्या किया, वॉर्न कर दिया ईमान वालों को। ठीक है, ये वर्ड टू वर्ड की क्लास है, इंशाल्लाह हम लफ्जी तर्जुमा सीख रहे हैं वर्ड टू वर्ड का। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نیکسٹ آیا آیا نمبر 18 اچھا بیسیکلی یہ سارا جو ٹاپک چل رہا ہے سورہ نور چل رہی ہے ہماری سورہ نور کی آیت نمبر 18 اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے ایک پس منظر کے مطلب کانٹیکسٹ میں ایک پس منظر ایک جو بیہائنڈ دا سین ایک سٹوری ہے وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت بہتان لگا دیا گیا تھا نعوذ باللہ مطلب اڈلٹری کا تو یہ بات جو منافق لوگ ہیں ہپوکریٹس ہیں انہوں نے پھیلا دی تھی اور
कुछ मोमिनीन जो थे उस उनकी बातों में आकर उन्होंने भी इस तरह से कह दिया था। तो अल्लाह सुबहानहु ताला यहाँ पर एक तो हजरत आयशा की पाक दामनी को बयान किया, दूसरी तमाम कयामत तक औरतें आने वाली जो पाक दामन होंगी, जिनके ऊपर बोहतान लगाया जा रहा होगा, उनके लिए अल्लाह सुबहानहु ताला ने लीगल गाइडलाइंस यहाँ पर दे दी हैं, लॉ पॉइंट्स अता कर दिए हैं। ठीक है, आयत नंबर 18, وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ। वह का तर्जुमा होगा और, जनरली वाव हर्फे अतफ के तौर पर आता है, अतफ का मतलब होता है कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब जो जोड़ने का काम करता है, ग्लू का काम करता है। तो वाव का तर्जुमा होगा और, एंड, और या फिर एंड। ठीक है, तो जनरली वाव का तर्जुमा और होगा, एक्सेप्शनल वाव है वो हम बाद में पढ़ लेंगे जब आ जाएगा। वाव यानी और। अब ये जो या है, या यतान का या है, हम एक मरतबा रिपीट कर देते हैं, यतान फॉर न्यू स्टूडेंट्स, यतान किसे कहते हैं, या ता अलिफ नून को यतान कहते हैं, और इन लेटर्स का अपना तर्जुमा होता है। या का तर्जुमा होता है वो, ता का तर्जुमा होता है तुम, या फिर वो, तुम आएगा मेल के लिए और वो आएगा फीमेल के लिए, अलिफ का तर्जुमा होता है मैं और नून का तर्जुमा होता है हम। तो जब भी हम कहें कि ये वर्ड यतान से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक वर्ब है, एक इम्परफेक्ट टेंस है, जिसका तर्जुमा हमने अकॉर्डिंग टू लेटर शुरू करना है। या से अगर हो तो या का तर्जुमा वो कर दें, ता से तुम या फिर वो कर दें, अलिफ का तर्जुमा हो तो मैं कर दें, और नून आ जाए शुरू में तो हम कर दें। तो जहां भी यतान कहा जाए तो आपको ये तर्जुमे पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब चूंकि ये या से शुरू हो रहा है तो या का तर्जुमा हम करेंगे वो। ठीक है, या का तर्जुमा होगा वो, ता से होता तो तुम या फिर वो अकॉर्डिंगली कर लेते, अलिफ का तर्जुमा मैं कर लेते और नून का तर्जुमा हम कर लेते। या वो, बा या नून, बयान के रूट लेटर हैं बयान, बा या नून, बयान। बयान करना इज टू, कोई भी चीज जब बयान कर दी जाती है दैट मीन्स उस चीज का क्लैरिफिकेशन हो जाता है, राइट? तो यहाँ पर बयान का मतलब होता है टू क्लैरिफाई, किसी चीज को क्लियर कर देना, किसी चीज को वाजे कर देना, किसी को मतलब हाईलाइट वे में, हाईलाइटेड वे में, बहुत साफ साफ अल्फाज में बता देने को बयान कहा जाता है। ठीक है, तो बयान का मतलब होता है मैनिफेस्टली क्लियर, बहुत ज्यादा वाजे। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुबहानहु ताला क्या फरमा रहे हैं, वह और या वो बयान, बयान करता है, वाजे करता है, क्लियर करता है, साफ साफ बता देता है। कौन कौन बता देता है? अल्लाहू, अल्लाह, वो साफ साफ बता रहा है, वो वाजे करके बता रहा है, वो क्लियर करके बता रहा है। क्या बता रहा है? लकुमुल, लकुम आयात, लकुम, ल और कुम, दो अल्फाज हैं, ल प्लस कुम। ल का तर्जुमा होता है लिए, फॉर, लिए फॉर, उर्दू में लिए और इंग्लिश में फॉर। ठीक है, ये हर्फ जर है, जिन्होंने ग्रामर पढ़ा है वो ग्रामर की टर्मिनोलॉजीज ले ले, जिन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ा वो तर्जुमे को याद रख ले। ली का मतलब होता है लिए, फॉर, और ये जो है टर्म, ये प्रपोजिशन है, हर्फे जर है। ली का मतलब हो गया लिए, कुम का मतलब होता है, ये कुम जो है अटैच प्रोनाउन है, ज़मीरे मुत्तसिल है। कुम अटैच क्यों है? क्योंकि जुड़ गया, मुत्तसिल हो गया, तो इसीलिए उसको ज़मीरे मुत्तसिल या अटैच प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो कुम का तर्जुमा होता है यू ऑल। अभी हमने पिछली आयत में पढ़ा था तुम, कुन तुम, कुन तुम, दोनों का तर्जुमा सेम है, तुम का तर्जुमा भी तुम होता है और कुम का तर्जुमा भी तुम होता है। ठीक है, लिखना है तो आप लिख लें, तुम और कुम दोनों का तर्जुमा होता है यू ऑल, तुम सब, यू ऑल, तुम सब। ओके, लकुम लालिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, वह और या वो बयान, बयान करता है अल्लाहु अल्लाह, लालिए कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए बयान करता है। क्या बयान करता है?
अल आयात, अल आयात इसके रूट लेटर्स हैं हमजा या आयात जो है प्लूरल फॉर्म है, सॉरी प्लूरल है यानी कि जमा है किसका, आयतुन का। आयतुन का मतलब हो गया एक आयत, आयात का मतलब हो गया बहुत सारी आयतें। जब भी एंड में आपको किसी भी वर्ड के आतुन या आतिन दिखाई दे, क्या दिखाई दे, आतुन या आतिन, ये इस तरह से लिखा है, हम इसी तरह से लिखते हैं आतुन या आतिन। कभी ये डबल हरकत के साथ होगा, कभी ये सिंगल हरकत के साथ भी हो सकता है, आतुन आतिन या फिर आतु आती। ये हमेशा 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 प्लूरल फेमिनिन को इंडिकेट करता है। जमा मुअन्नस यानी फीमेल प्लूरल, यहाँ पर जो भी चीज की बात हो रही है वो बहुत सारी है, प्लूरल के फॉर्म में है, जमा यानी बहुत सारी है, और फेमिनिन है। अरबी जबान का हर लफ्ज या तो मेल होता है या फीमेल होता है, हर लफ्ज नहीं, नॉट जस्ट जो लोग हैं, लोग मेल फीमेल नहीं होते, बल्कि हर चीज मेल फीमेल होती है। अरबी जबान में कोई न्यूट्रल जेंडर नहीं होता, या तो हर चीज मेल होगी या तो हर चीज फीमेल होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं, आयात जो है यहाँ पर फीमेल है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात याद रखें, आयत के तीन तर्जुमे हैं, आयत के तीन तर्जुमे हैं। एक तर्जुमा है, होता है आयत का कोई निशानी, एनी साइन। आयत का फर्स्ट तर्जुमा है साइन, निशानी। आयत का सेकंड तर्जुमा है वर्सेस, वर्सेस। ये जो आयत हमारे कुरान के सामने है वो भी आयत कहलाती है, वर्सेस। और तीसरी एक तर्जुमा होता है इसका मोजजात, मिरेकल्स, ठीक है, मिरेकल्स, मोजजा, निशानी, साइन, आयत, वर्सेस, ये तीन तर्जुमे होते हैं। फिलहाल वी विल बी टेकिंग दैट, मतलब यहाँ पर जो तर्जुमा लिया गया है पुरानी आयात की बात की जा रही है, वर्सेस की। तो अल्लाह सुबहानो ताला ने फरमाया और वो बयान करता है और वो क्लियर करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अल आयाती आयतों को, वर्सेस को। दैट मींस अल्लाह सुबहानो ताला ने कुरान की जो आयतें हैं उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं रखी है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कि एम्बिगुअस हो, कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमारे दिमागों में खलल आ जाए, ओ माय गॉड ये तो अभी कुछ और कहा गया था, अभी कुछ और कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। कुरान की हर आयत, कोई भी आयत ऐसी नहीं है कि एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हो या कहीं टकरा रही हो, नहीं, हर आयत दूसरी आयत को सपोर्ट करती है, हर आयत दूसरी आयत को मजबूती देती है, हर आयत दूसरी आयत को मजीद एक्सप्लेन करती है, मजीद वाजे करती है। कोई बात अगर हमें एक जगह नहीं समझ आ रही होती है तो कुरान की दूसरी आयत में कहीं जाकर हम वो चीज को पढ़ लेते हैं और वो चीज एक्सप्लेन हो जाती है। जिस तरह से हमने देखा था अन अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम, तूने इनाम किया, लोगों पर इनाम किया, वहां पर कोई डेफिनेशन आई नहीं कि इनाम याफ्ता लोग कौन है। अल्लाह सुबहान तआला ने आगे जाकर कुरान करीम में फरमा दिया इनाम याफ्ता लोग चार हैं, अंबिया हैं, शोहदा हैं, सिद्दीकीन हैं, सौलिनीन हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से कुरान की आयतें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं। अल्लाह ने फरमाया, हमने वाजे कर दिया, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाजे कर दिया, क्लियर कर दिया है उस तुम्हारे लिए आयतों को, वल्लाहु अलीमुन हकीम। और वो किस तरह से वाजे करता है, क्यों वाजे करता है, वल्लाहु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो क्या कहा, वल्लाहु, वह का अभी हमने तर्जुमा देखा था और, एंड कंजंक्शन कनेक्ट करने का काम कर रहा है, वाव का तर्जुमा हो जाएगा और, एंड अल्लाहु अल्लाह, और अल्लाह अलीमुन हकीमुन, अलीम आइन लाम मीम इल्म से बना है, रूट लेटर इसके आइन लाम मीम इल्म है, और अलीम
अलीम का मतलब होता है खूब जानने वाला। आपने सुना होगा कि जो लोग स्कॉलर बनते हैं, जो लोग इल्म हासिल करते हैं, उलूमुल दीन हासिल करते हैं, उनको आलिम कहा जाता है, राइट? आलिम कहा जाता है स्कॉलर, लेकिन उनको अलीम नहीं कहा जाता। अलीम सिर्फ अल्लाह की सिफत है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन आलिम एंड अलीम? आलिम का मतलब होता है द स्कॉलर हु नोज अबाउट दीन, जो कुछ जानता है दीन के बारे में। आलिम कहा जाता है इल्म रखने वाले को, अलीम भी कहा जाता है इल्म रखने वाले को, लेकिन ये जो अलीम है ये ऐसा इल्म है जो ना कभी खत्म होगा, ना कभी कम होगा, ना कभी इसके अंदर कमी आएगी, ना नुक्स आएगा, ना कभी भूला जाएगा। यानी वो इल्म विच इज कॉन्स्टेंट, विच इज कंटिन्यूस, विच इज विद दवाम एंड तसलसल, यानी जो इल्म बहुत चला जा रहा है, लगातार चला जा रहा है, जो अजल से था अब तक रहेगा, उसकी ना कोई इनिशिएशन है, ना कोई एंडिंग है, ना कोई शुरुआत है, ना कोई उसका खात्मा है। देखिए, हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज जानते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगले दिन या अगले पल या कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद वो चीज भूल चुके होते हैं। अगर हमने स्कूल में कोई चीज पढ़ी होगी, आज हमें नहीं पता होगा, आज हम भूल चुके होंगे। इसको अलीम नहीं कहा जाता। हम एक सर्टेन वक्त के लिए आलिम तो बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी होल एंड सोल थिंग इंक्लूडेड नहीं होती, ठीक है? तो नाकिस इल्म इंसानों का होता है, कामिल इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, ठीक है, और रहेगा। तो इसी को कहा जाता है अलीम। ये जो है अलीम, ये फईल पैटर्न पर है। जो भी चीजें फईल पैटर्न पर आती हैं, फईल, ठीक है, वो हमेशा कंटिन्यूस होती हैं, वो हमेशा जारी रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती। अलीम और हकीम दोनों ही फईल पैटर्न पर आए हैं। दोनों का मीनिंग जो है, दोनों के अंदर जो क्वालिटी है वो कंटिन्यूस है, कभी ना खत्म होने वाली, विद तसलसल, विद दवाम, विद मतलब वो जारी रहेगा, वो सारी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो अलीम यानी इल्म रखने वाला। हकीम, इसके रूट लेटर है ह काफ मीम। हकीम मतलब ऑल वाइज, विद ऑल विजडम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास तमाम हिकमतें हैं, तमाम दानाई है, तमाम रीजनिंग है, क्यों वो किसी काम को करता है, क्यों कोई चीज को नाजिल करता है, क्यों वर्सेस को और कैसे वर्सेस को क्लियर करता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हकीम वाली सिफत है। हकीम इज द रीजनिंग, यानी अल्लाह सुबहान व तआला हर चीज की रीजनिंग जानते हैं। हम देखें, बाज औकात ऐसा होता है कि हमारे साथ अगर कोई मामला पेश आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि वाई मी, मेरे साथ हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम नहीं समझ पाते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या है, ऑल वाइज, ही इज हैविंग द ऑल विजडम। अल्लाह सुबहान व तआला के पास हर चीज की रीजनिंग है, अल्लाह सुबहान व तआला के पास हर चीज की वजह है कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है, हम नहीं समझ पाते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता है। तो अल्लाह ने क्या किया, मैंने क्लैरिफिकेशन कर दिया, मैंने आयतों को इलैबोरेट कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, डिटेल में वाजे कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मेरी सिफत अलीम और हकीम वाली है। मैं जानता हूँ, मैं हिकमत रखता हूँ, मैंने ये कुरान करीम में ये जो अभी तुम्हें कमांडमेंट्स दिए हैं, अभी जो तुम्हें इससे पहले हुक्म दिया है, जो वास किया है, जो नसीहत किया है, वो हम मैंने किस बिना पर की है, कयामत तक ये तुम्हारे लिए एक एडमोनिशन बन जाए, कयामत तक के लिए तुम्हारे लिए एक नसीहत बन जाए। ओके, तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया वयुबयिनु, व और या वो बयान बयान करता है, वाजे करता है, अल्लाहु अल्लाह, ला लिए कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, अल आयात, आयतों को, वर्सेस को एक्सप्लेन करता है, क्लियर करता है, वल्लाहु और अल्लाह, अलीमुन खूब जानने वाला, हकीमुन बड़ा हिकमत वाला है, बड़ा दाना है, और वो तो बयान करता है, खोल खोल कर वाजे कर देता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को, और अल्लाह खूब इल्म रखने वाला, बहुत हिकमत वाला है, ठीक है।
हम नेक्स्ट आया की जानिब चलते हैं, आया नंबर 19. इन्नल लदीना युहिब्बूना, इन्ना ये वर्ड आ गया जो कि अभी अभी हमने देखा था, चार वर्ड्स देखे हमने, अन इन इन्ना अन्ना, अन का मतलब और अन्ना का मतलब होता है के, दैट, इनका तर्जुमा होता है अगर, इफ, और इन्ना का तर्जुमा होता है बेशक, सर्टेनली, इंडीड, ठीक है, इन्ना बेशक. अल्लज़ीना इसमें मौसूल है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसमें मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन. अल्लज़ीना का आप लोगों ने सिर्फ तर्जुमा याद रखना है, इसका कोई ग्रामेटिकल चेंज नहीं होता, जस्ट आप याद रखें वो सब जो, दोज हु, वो सब जो, ठीक है, हर जगह यही तर्जुमा करना है, वो सब जो, वो सब लोग जो, इस तरीके का तर्जुमा होगा. इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो सब लोग जो, युहिब्बूना, अब देखें ये दोबारा से यतान का या आ गया है, तो या का तर्जुमा हमने देख लिया, या का तर्जुमा होता है वो, ठीक है. ऊना, ऊना हमेशा इंडिकेट करता है प्लूरल को, इससे पहले हमने देखा ईना, उससे पहले हमने देखा वाव अलिफ, तीन तीन वर्ड मिल गए आपको प्लूरल के लिए, जमा के लिए, ठीक है, जमा, प्लूरल्स, क्योंकि ये जमा है, क्योंकि ये प्लूरल है, क्योंकि ये तीन या तीन से ज्यादा हैं, तो हम इसमें तर्जुमा कर सकते हैं सब, ऑल, या वो, वानू, सब. अब बीच में बच जाते हैं रूट लेटर्स, ठीक है, रूट लेटर्स को हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं. रूट लेटर्स क्या हैं, ह ब ब, ह ब ब, हुब का मतलब होता है मोहब्बत, ठीक है, टू लाइक, किसी चीज को पसंद करना, किसी चीज से मोहब्बत करने को कहा जाता है ह ब ब. तो यहाँ पर इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, या वो, वाउनुन सब, हब्बा मोहब्बत करते हैं या पसंद करते हैं. अन देखे, अन आ गया इन्ना, इन आ गया, अन आ गया, इन्ना आ गया, अन्ना आ गया, चारों वर्ड्स आ चुके हैं अब तक, अन्ना के, अन के, इन्ना बेशक, अन के, ठीक है, इन अगर, अन और अन्ना दोनों का तर्जुमा होता है के, अन के, इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, या वो, वानू सब, हब पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अन के, न तशिया, तशिया ता यतान का ता है, या ये वाला ता जो है फीमेल ता है, क्यों फीमेल ता है, ये जो आगे वर्ड आ रहा है फाहिशा, ये वर्ड फीमेल है, इसके आखिर में गोलता है, जिस वर्ड के आखिर में गोलता आता है, राउंड ता आता है, वो फीमेल होता है, ठीक है, तो फाहिशा फीमेल है, तो इस ता का तर्जुमा हम करेंगे वो, ठीक है. हमने आपको ता के दो तर्जुमे बताए, ता का तर्जुमा तुम भी होता है मेल के लिए, ता का तर्जुमा वो होता है फीमेल के लिए, तो चूंकि फाहिशा फीमेल है इसीलिए ता का तर्जुमा वो कर देंगे, ठीक है. इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, या वो, वानु सब, हब मोहब्बत करते हैं, वो पसंद करते हैं, अन के, तशिया ता, वो, शीन या आइन रूट लेटर है, शीन या आइन, तशी का मतलब होता है किसी चीज का नशर कर देना, किसी चीज को फैला देना. हम आज के जमाने में हम यूज करते हैं वर्ड वायरल कर देना, ठीक है, वायरल कर देते हैं, जो लोग क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, जो लोग इस चीज का नशर कर देते हैं, उस चीज को फैला देते हैं, तो शीन या आइन, शी का मतलब होता है फैला देना, ठीक है, टू स्प्रेड. इन्ना बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो, या वो, वानू सब, हब पसंद करते हैं, अन के, ता वो, शी फैला दें, तशी का मतलब के वो फैला दें, क्या फैला दें, अल्फाहिशा, फाहिशा के रूट लेटर हैं फहशीन, फहशीन, फहश, फहश कहा जाता है बेहयाई को, इमोरालिटी, बेहयाई को. बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि वो बेहयाई को फैलाएं,
बेहयाई को आम कर दे, लोगों में वायरल कर दे, लोगों में स्प्रेड कर दे। फी में, फी हरफे जर है, प्रपोजिशन फी का तर्जुमा होता है मे, इन, इनसाइड, अंदर, मे, तो मे का तर्जुमा कर लेंगे। मे किस में? अल्लज़ीना आमनू, अल्लज़ीना सेम वर्ड, अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनू वाव अलिफ प्लूरल के लिए आ गया, तो देखे तीनों चीज आ गई हैं, ऊना ईना वाव अलिफ, तीनों का तर्जुमा होता है सब, ऑल, क्योंकि तीनों प्लूरल को इंडिकेट करते हैं, ऊना ईना वाव अलिफ तीनों प्लूरल को इंडिकेट करते हैं, तो वाव अलिफ का मतलब हो जाएगा सब। ठीक है, अमना रूट लेटर है, अमना, अमना का मतलब हो जाएगा ईमान लाए, वाव अलिफ वो सब, अमना ईमान लाए। फी में अल्लज़ीना वो लोग जो, आमनु ईमान लाए, वो सब जो ईमान लाए, बेशक वो लोग जो पसंद करते हैं कि वो फैला दें बेहयाई को ईमान लाने वाले लोगों में, वो लोग जो ईमान लाए उनमें। लहुम ला लिए, हुम उनके, ला हरफे जर है, प्रपोजिशन है, ला का मतलब होता है लिए, फॉर आ चुका है पहले भी, ला लिए फॉर। हम अटैच प्रोनाउन है क्योंकि जुड़कर आ रहा है हम, इसलिए उसको अटैच प्रोनाउन कहते हैं, ज़मीर है मुत्तसिल। हम का मतलब होता है यू ऑल, तुम वो सब, कुम का मतलब देखा हमने तुम सब, कुम मतलब तुम सब, हम मतलब वो सब, तो अगर लिखना है तो आप लोग लिख लें, कुम यानी तुम सब, हम मतलब वो सब, और तुम का मतलब भी तुम सब होता है, तुम जो हम जनरली यूज करते हैं उर्दू में भी, तुम यानी तुम सब, कुम यानी तुम सब, और हम यानी वो सब। ला लिए हम उन सब के लिए, अल्लज़ीना आमनू वो सब जो ईमान लाए उन लोगों में, लहुम उनके लिए जो बेहयाई फैला रहे हैं उनके लिए, अज़ाबुन, आइन ज़ाल बा रूट लेटर है, आइन ज़ाल बा, अज़ाब पनिशमेंट, अज़ाब, अलीमुन, अलफ अलिफ लाम मीम रूट लेटर है इसके, अलीम हमजा लाम मीम, अलीम का मतलब होता है दर्दनाक, अलमनाक, ठीक है, अलमनाक, पेनफुल, दर्दनाक, अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब है। फिद दुनिया वल आखिरा, फी फिर से दोबारा से आ गया, फी में, इन, इनसाइड, तो फी हरफे जर है, प्रपोजिशन है, फी का तर्जुमा होगा में, कहां किस में, अद दुनिया, अद दुनिया, अद दुनिया के रूट लेटर हैं दाल नून वाव, दुनिया, ये जो दाल नून वाव रूट लेटर है उसके दो तर्जुमे होते हैं, एक तो होता है अदना सा, छोटा सा, हकीर सा, हकीर, और दाल नून वाव का तर्जुमा होता है करीब, नियर, क्योंकि दुनिया हमारे करीब है, आखिरत दूर है, तो इसीलिए हम इसलिए उसको दुनिया कहते हैं, ठीक है, दुनिया करीब, लेकिन तर्जुमा नहीं कीजिएगा दुनिया का, करीब करीब हर जगह तर्जुमा कर दें, दुनिया को दुनिया ही कहे, हम आपको मीनिंग बता रहे हैं जस्ट। फिर दुनिया, दुनिया में, वल आखिरा व, और, वाव का तर्जुमा हो गया और, आखिरा, आखिरा के रूट लेटर हैं हमजा खौरा, अखौरा, अखौरा का मतलब होता है बाद में आने वाला, दूर, ठीक है, हियर आफ्टर, आखिरा का मतलब होगा हियर आफ्टर, दुनिया और आखिरत में क्या हो गया उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वल्लाहु व, और दोबारा से वर्ड आ गया वाव और, अल्लाहु अल्लाह और अल्लाह, यालमु, यालमु में फिर से यतान का या आ रहा है, या का मतलब हो जाएगा वो, या का मतलब होगा वो, ठीक है, वो, और इल्म का मतलब होगा आइन लाम मीम, इसके रूट लेटर है आइन लाम मीम, इल्म का मतलब होगा इल्म रखना, ठीक है, या वो आइन लाम मीम इल्म रखता है यानी वो जानता है, और अल्लाह वो तो जानता ही है, क्या जानता है, जो भी सारा हमने पीछे पढ़ लिया, अलीमुन हकीम, वो सब कुछ जानता है। व अंतुम, व और, वाव और, एंड और, सारे वाव का तर्जुमा और आ रहा है, ठीक है, सारे वाव का तर्जुमा और में जा रहा है, अब तक फिलहाल, दूसरा तर्जुमा हम बाद में देख लेंगे। अंतुम, ये देखा हमने अटैच प्रोनाउन जुड़कर आने वाला, ये अंतुम जो है डिटैच प्रोनाउन है, डिटैच, ये जुड़ता नहीं है,
सॉरी आई एम सो सॉरी डिटैच्ड यानी डिटैच्ड यानी ज़मीरे मुनफसिल, मुनफसिल फा भी नहीं लगाया हमने, फा स्वाद लाम फसल फासले से बना हुआ है, तो ज़मीरे मुनफसिल यानी जो फासले पर लिखा जाता है जुड़ता नहीं, ठीक है। अंतुम का मतलब होता है यू ऑल, अंतुम का मतलब होता है यू ऑल। अंता का आप लोग वर्ड यूज करते रहते हैं जनरली, हम दुआ पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्ला अंता, अंता का मतलब यू वन आप एक, उसी का प्लूरल है अंतुम, तुम सब। ला इलाहा इल्ला अंता में जो अंता आता है उसी का प्लूरल है अंतुम, तुम सब, ठीक है। वह और अल्लाहु अल्लाह या वो आइन लामीम इल्म रखता है जानता है, वह और अंतुम तुम सब। ला ला हर्फ नफी है नेगेटिव पार्टिकल है, हर हाल में ला का तर्जुमा होगा नहीं, ला का और कोई तर्जुमा नहीं है, ठीक है। जैसे वेरियस मीनिंग आते हैं कभी कभी तो ला का तर्जुमा हर हाल में नहीं होगा, ठीक है। ला नहीं तालमून वेर वर्ड बी ऑन विच आया आया नंबर 19 ओके चले। वो अंतुम और तुम सब ला नहीं तालमून, तालमून इज ऑल्सो फेले मुजारे यतान से शुरू हो रहा है तो ता का तर्जुमा कर देंगे हम तुम, ठीक है। मैस्कुलिन की बात हो रही है तुम हो गया तर्जुमा। ऊना, ऊना हमेशा प्लूरल को इंडिकेट कर देता है तो हम सब का तर्जुमा कर लें ता तुम वाव नून सब। आइन लाम मीम रूट लेटर बच गए, आइन लाम मीम इल्म, इल्म का मतलब होता है इल्म। ला नहीं ता तुम वाव नून सब आइन लाम मीम इल्म रखते नहीं तुम सब जानते। अब अल्लाह सुबहानो ताला क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर हम एक मरतबा रिवाइज करते हैं। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो या वो वानु सब हब मोहब्बत करते हैं या पसंद करते हैं अन के तश तशी ता वो शीन या आइन तशी के वो फैला दे स्प्रेड कर दे वायरल कर दे अल्फाहिशता फहश बेहयाई को फिल लजीना उन लोगों में जो ईमान लाए लहुम उनके लिए अजाबुन अलीम दर्दनाक अजाब है। फिर दुनिया कहाँ है दर्दनाक अजाब फिर दुनिया याद रखें कि जब भी आयत के दरमियान या आयत के ऊपर कहीं पर भी ला लिखाई दे जाए इस तरह से छोटा सा इसका मतलब है बात अभी नामुकम्मल है बात अभी जारी है इसको कंटिन्यू करें तो हम कहेंगे अजाबुन अलीम फिर दुनिया वल आखिरा यहाँ पर आपने पॉज नहीं करना। ला का मतलब होता है डोंट स्टॉप रुको नहीं डोंट डू वक्फ यहाँ पर पॉज नहीं करना तो यहाँ आप क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। हम ये जो आयत समझते हैं ना आयत ये जो एंड में आयत आती है इसको हम समझते हैं फुल स्टॉप एक सेंटेंस पूरा हो गया हरगिज ऐसा नहीं है। ये जो आयत है ये रेसिटेशन के लिए किरत की खूबसूरती के लिए यहाँ पर आयत दे दी है ताकि जब जो पढ़ने वाले कारी हैं वो पढ़ें तो सांस तोड़ तोड़ कर आराम से पढ़ें ताकि तिलावत में खूबसूरती पैदा हो जाए। असल हमारे फुल स्टॉप और जो कॉमाज होते हैं वो कहाँ होते हैं ये छोटे छोटे लिखे हुए ऊपर ठीक है ये जो है ये होते हैं असल फुल स्टॉप कॉमाज कोलन जो भी होगा अंदर साइन असल वो हो ठीक है। रेयरली आयत पर भी साइन आ जाती है फुल स्टॉप आ जाता है लेकिन हर जगह नहीं। फिर दुनिया वल आखिरा इसका मतलब अभी अजाबुन अलीम कहाँ होगा फी में अदुनिया वल आखिरा दुनिया और आखिरत में। वल्लाहु वा और अल्लाहु अल्लाह या वो आइन ला में इल्म रखता है जानता है वा और अंतुम तुम सब ला तालमून नहीं तुम सब इल्म रखते ला नहीं ता तुम वानु सब ऐना में इल्म रखते नहीं तुम सब जानते। बेशक वो लोग वो सब जो पसंद करते हैं कि वो फैला दें फहश को बेहयाई को दुनिया उन लोगों में जो ईमान लाए उन लोगों में जो ईमान लाए उनके लिए अजाब है दर्दनाक दुनिया में भी और आखिरत में भी और अल्लाह वो तो खूब जानता है वो तो जानने वाला है और तुम सब
नहीं तुम सब इल्म रखते। अब फहश फैलाना क्या है? फहश फैलाना ये है कि किसी ने अगर किसी को कोई गुनाह करते देखा तो उसको क्या कर दिया, आम कर दिया, ठीक है, उसको उसकी जबान ही नहीं रुक पाई, उसको तो जबान के चस्के चाहिए था। जैसे अल्लाह सुबहानहु तआला ने कहा भी अलसिनतिकुम, तुम तो अपनी जबान हिला हिला कर सबके सामने उसको नशर करते फिर रहे हो, हर जगह पर बोलते फिर रहे हो। अल्लाह ने फरमाया कि जो बेहयाई फैलाता है, अब देखें क्या होता है कि एक चीज एक न्यूज में आ जाता है कि फुला 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 इंसिडेंट हो गया, नाउज बिल्ला, जो भी अडल्ट्री हो गया, जिना हो गया, उस चीज को अभी कोई कंफर्मेशन नहीं भी होता तब भी उस चीज को अखबार में शाये कर दिया जाता है, ठीक है, पढ़ने वाले उसमें नौजवान भी हैं, लड़कियां लड़के सब पढ़ रहे हैं, अवेयरनेस हो रही है, अवेयरनेस के नाम पर उनके अंदर ये चीजें वक्त से पहले जा रही हैं, ठीक है, तो ये चीज, ये नशर कर देना किसी ऐब को, खुसूसी तौर पर इन ऐबों को जो किसी के कैरेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया जो लोगों के ऐबों को फैलाता फिरता है, जो इन तमाम बातों को, फहश को, बेहयाई की बातों को फैलाता है, एक तो ये भी पॉइंट आ गया, और इसके अंदर वो भी आता है कि देखें नशरियात, आपने देखा कि आज के जमाने में कोई एड, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई जो मतलब प्रोडक्ट जो बिक रहा है आज के दुनिया में, दौर में, उस वो ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर बरहना औरतें दिखाई ना जा रही हो, बेचना घड़ी है, दिखा रहे हैं एक औरत को उसको पहना हुआ, हालांकि वो बेच रहे हैं मेल्स की वॉचेस को बेच रहे हैं, फिर भी वो औरत को बरहना दिखा रहे हैं, क्यों, ताकि वो ज्यादा अपील करे लोगों को, लोग एड को जरूर देखें। फहश जो है वो क्या करता है, शैतान उस चीज को मुजयन करता है लोगों के सामने, उस चीज को मुजयन सजा कर बताता है, तो लोगों ने इस चीज को इतना आम कर लिया आज के दौर में कि वो बेचना कुछ है चीजें, कोई और चीजें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने सोफे का ऐड है, औरत को खड़ा कर दिया, घड़ी का ऐड है, औरत को खड़ा कर दिया, खाना बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं उसमें औरत को खड़ा कर दिया, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर औरतों को न्यूड और सेमी नेकेड, फुली नेकेड बिल्कुल बताया जा रहा है और उसके जरिए से अपने प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। ये क्या है, ये बेहयाई को नशर करना है, बेहयाई को फैलाना है। अल्लाह ने फरमाया जो लोग बेहयाई को फैलाते हैं, बेहयाई को आम करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में दर्दनाक अजाब तय कर रखा है, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते कैसा अजाब दिया जाएगा, किस किस्म का अजाब दिया जाएगा, और या ये जो गाइडलाइंस अल्लाह तुम्हें दे रहा है ये क्यों दे रहा है, ये तुम्हारी हया के लिए दे रहा है, तुम्हारे ईमानों की सेफ्टी के लिए दे रहा है, तुम्हारे ईमानों, ताकि तुम्हें ईमानों की हलावतें नसीब हो जाएं, ताकि तुम्हें अपने जो गेजेस हैं उनकी हिफाजत करने आ जाए, यानी जो गुज़्ज़े नजर होती है अपनी नजरों की हिफाजत करना आ जाए, ठीक है, तो एक बुरे चीजों को देखना उससे भी परहेज किया जाए। अल्लाह सुबहान तआला इंशाल्लाह आगे हम देख लेंगे, अल्लाह सुबहान तआला ने ना सिर्फ औरतों को बल्कि मर्दों को भी फरमाया है अपनी निगाहों को नीचा रखे। क्या मतलब है, रास्ते में चलते हुए की सिर्फ बात नहीं हो रही है, हर वो चीज जिसको अल्लाह सुबहान तआला ने देखने के लिए हराम कर दिया है, वो चीजें जिनके ऊपर हमारी नजरें पड़ना, अगर पड़ जाए नजर तो फौरन से उस नजर को हटा लें, इस पर भी अल्लाह ने रिवॉर्ड रखा है, इस पर भी अल्लाह ने अजर रखा है। कोई ऐसी चीज है जो हमारे देखने की नहीं है, उस पर हमारी नजर पड़ जाती है और फिर हम अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर, खौफ खुदा में अपनी नजर उससे हटा लेते हैं, अल्लाह उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको ईमान की हलावत नसीब कर देते हैं, ईमान, स्वीटनेस ऑफ ईमान अता कर दिया जाता है अगर इंसान अपनी नजरों की हिफाजत करता है। देखिए बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं जो नजर से शुरू होते हैं, ठीक है, जिस कदर नजर को पाक रखा जाएगा उस कदर हम गुनाहों से बच सकते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला कह तो रहे हैं कि जो बुरी चीजों, फहश की जो वायरल होना है,
ने फरमाया इन तमाम फहिश आम करने से बचो क्योंकि इसका अजाब क्या है, दर्दनाक है और कहाँ है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी, और ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी इसका अजाब अल्लाह सुब्हान व तआला देंगे। और अल्लाह खूब जानता है वो क्या नसीहतें तुमको करता है और क्यों करता है। वो अलीम और हकीम है, वो दाना है और तुम नहीं जानते। ठीक है, हम ये तमाम चीजों को, बड़ा आम हो गया है ना आज इन तमाम चीजों को देखना, बहुत कॉमन है, हम जो भी चीजें देख रहे हैं हमें देखना ही पड़ जाता है। तो अगर आ जाए तो अपनी नजरों की जिस हद तक कोशिश करें, अपनी इस्तेआत के मुताबिक हिफाजत करें। और कोई खबर आप तक पहुंच जाए, कोई बुरी खबर, ऐसी फहश की खबर पहुंच जाए, तो आपने उसको आगे कन्वे नहीं करना, पर्दापोशी करें। अल्लाह चाहता है ईमान वाले क्या कैसे हों, बोहतान को फैलाने वाले, फहश को फैलाने वाले ना हों, बल्कि उसकी पर्दापोशी करने वाले, उसको कंसील करने वाले हों, उसको छुपाने वाले हों। ठीक है, एक मरतबा हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। बेशक वो लोग, वो सब जो पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, यानी पसंद करते हैं कि वो फैला दें फहश को उन लोगों में जो ईमान लाए, ईमान वालों में फहश को फैलाना चाहते हैं। अल्लाह सुबहान व तआला ने स्पेसिफिकली ईमान, ईमान वालों को, मोमिनीन को कहकर यहाँ पर इस बात को वाज़े कर दिया कि ईमान वालों को ये बातें लायक नहीं है, जेब नहीं देती कि वो अगर उन तक कोई बात पहुंचे तो वो लोगों में आम कर दे। एक काफिर है, एक मुशरिक है, एक हिपोक्रेट है, एक मुनाफिक है, वो अगर इस किस्म की बातें करता है तो अल्लाह ने, अल्लाह के लिए एक्सपेक्टेड है कि वो ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन ईमान वाले इस चीज में मुलविस हो जाए और इस चीज में इन्वॉल्व हो जाए तो अल्लाह को ये बातें ईमान वालों की तरफ से कम अज कम नहीं पसंद। ठीक है, तो अल्लाह ने फरमाया कि बेशक वो लोग, वो सब जो पसंद करते हैं कि वो फैला दें फहश को उन लोगों में जो ईमान लाए, उनके लिए अजाब है दर्दनाक, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह वो इल्म रखता है और तुम सब नहीं, तुम सब इल्म रखते, तुम सब नहीं जानते। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्तफा करते हैं इंशाल्लाह, तीनों आयतों को रिवाइज कर लेते हैं। पिछली आयत को हमने आज आयत नंबर 17 से शुरू किया, आई थिंक 16 से किया, नहीं 17 से। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आजाद नसीहत करता है कुम तुमको अल्लाहु अल्लाह, वो नसीहत करता है तुमको, यानी अल्लाह नसीहत करता है तुमको अन के ताउदू ता तुम वावलिफ सब उदू एआदा करो, रिपीट करो कि तुम ना रिपीट करो। ला लिखा नहीं है, नहीं लिखा नहीं है, बट इट इज अंडरस्टूड कि तुम रिपीट कर जाओ ऐसी बातों को। इस पर अल्लाह नसीहत करता है, यानी तुम्हें रिपीट होने से बचाने के लिए नसीहत करता है। ठीक है, वो नसीहत करता है तुमको, वो वाज करता है तुमको अल्लाह के, तुम रिपीट कर दो, एआदा करो तुम सब ली मिसलही उसकी मिसाल के लिए, यानी उसी जैसा, उसी जैसी चीज को दोबारा रिपीट कर दो, अबदन कभी भी। तो यानी कभी भी इस चीज को एआदा ना करना, जो बोहतान लग गया किसी के ऊपर, किसी के कैरेक्टर पर, किसी के किरदार को पाश पाश तुमने कर दिया, अब तो हो गया, अल्लाह ने माफ कर दिया, अल्लाह सुबहानहु ताला ने देख लिया, लेकिन आइंदा ना हो ये बात। ठीक है, अगर तुम हो ईमान वाले, अगर तुम ईमान वाले हो तो किसी के कैरेक्टर को, किसी के किरदार को दागदार ना बनाओ। आयत नंबर 18, और या वो बयान बयान करता है, वाजे करता है अल्लाह, बयान करता है अल्लाह, वाजे करता है अल्लाह, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयात वर्सेस को, आयतों को, और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ा हकीम और दाना है। आयत नंबर 19, बेशक वो लोग, वो सब जो पसंद करते हैं कि वो क्या कर दें, फैला दें, स्प्रेड कर दें फहश को उन लोगों में जो ईमान लाए हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह वो इल्म रखता है, वो जानता है, और तुम सब नहीं, तुम सब इल्म रखते, नहीं तुम सब जानते। अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पर हम इत्तफाक करते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआन अल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्र अल हकीम। अल्लाहुम्मा
اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. अल्लाह सुबहानहू ताला ने जो खैर आप तक पहुंचा दी, अल्लाह सुबहानहू ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो हम बात जो खैर की नहीं है, जो हक नहीं है, वो आप तक अगर पहुंची हो, वो हमारी नफ्स की जानिब से थी, शैतान की जानिब से थी, तो अल्लाह सुबहानहू ताला वो आप तक ना पहुंचाए, साई आपके दिलों तक ना फरमाए, और अल्लाह सुबहानहू ताला जो हक पहुंच गया है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस कुरान को हमारे हक में हुज्जत करने वाला बना दे. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ठीक है, सूरह नूर की हमने आयत नंबर 16 to 17 to 19 मुकम्मल की. جزاكم الله خير.